हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आया हूँ इधर अपने जो क्या बोलते हैं रोन इनको, हैं बाड़े में। हाँ, बाड़े में आया हुआ हूँ, इधर ऐसे घूमने आ गए। और टाइम हो रहा है 10:30 शायद, दस बज गई। अभी उठा हूँ जस्ट, मैं क्या लेट हो गया उठने में। रोन तो उठ गया था, वो 6 बजे। ये इसकी क्या है, वो है एग्जाम है इसकी, 12th क्लास में है, इसके एग्जाम है 3 फरवरी से। फिर भी देखो फटने का वो ही नहीं है कुछ, फटो बेटा जी, फटा नहीं सीखा मायल सीखा। आज सर्दी बिल्कुल भी नहीं है आज तो भाई साहब, बारिश आई थी रात को 3 बजे। मेरे को पता है, मैं उठा था 3 बजे, मैं 6 बजे। तू यार, तू लेट उठा लो, देख लगा थोड़ी देर, मैं भी लेट ही आऊं। आए जो तो मैं उठ के चढ़ा आई जाए, वो आ रही है जो फिर नहीं थोड़ा तो मैं उठ के ना कोना, फिर थोड़ी देर बाद भाई। अच्छा, थोड़ा हो सके जवा सके नहीं हुई हो। भाई ये हमारी डाणी, पीपलाल डाणी नाम है डाणी का। इधर से ये रास्ता आ रहा है, आप देख सकते हो, नहीं समझे। और ये है मंदिर, अपने डाणी के बीच में है मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है ये। और ये इधर दिनेश भाई, ये रोहन, ये प्रहलाद। क्या गाने बजा रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइज, फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, नहा धो के रेडी वेडी होके खाना वाना खा के। और मौसम मतलब क्या होता हूँ आपको, रात को भी बारिश आई थी और अभी भी मौसम ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। अगर हो गई तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि हमें आज शूट करना था वीडियो, वो नहीं शूट हो पाएगा। और मेरे को लग रहा है बारिश होगी, जैसा कि माहौल लग रहा है मेरे को, देख सकते हो माहौल, मतलब हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी नहीं होगा और तो क्या कर लेंगे। लेकिन यार अगर नहीं हो तो आज शूट हो जाए और कल तक आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस, मैं ऑफिस पे पहुंच चुका हूँ, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी लगने लग गई। तो पहले तो नहीं चल रही थी, लेकिन अभी वापस चलने लग गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब क्या करें यार, ये ठंड तो पता नहीं क्या कहेगी, बढ़ती जा रही है। सुबह तो उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, धूप बिल्कुल, मतलब ये अब थोड़ी बहुत निकली है, वरना धूप ही नहीं थी। अंदर काफी सर्दी लग रही है, अंदर बैठे बैठे गाइस यार सर्दी लगने लग जाती है। थोड़ा बहुत काम कर रहे थे स्क्रिप्ट का, कल शूट है, मतलब कल जो अपना द इंडियन कॉमेडी चैनल है उसका वीडियो शूट करना है, तो उसी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे। अंदर सर्दी लगने लग गई तो मैं बाहर आ गया। यहाँ पे भी धूप नहीं, यहाँ पे और ज्यादा सर्दी लग रही है। करे क्या आदमी, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, समझ ही ना आ रो, ये बात होगी समझ ही ना आ रही। खैर, तो भाई जी अभी टाइम हो गया है 2:30 बज गए शायद। भाई जी आज का शूट भी था, वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो एक आर्टिस्ट थे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं पाए। अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब ऐसा हो जाता है। मतलब मैंने आपको बोला था कि भाई बरसात हो सकती है, बरसात तो नहीं, लेकिन ये बात हो गई, वरना आज थोड़ा वो शूट था वो कर लेते यार। जो अपना चैनल है नोला द साइंटिस्ट, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट का वीडियो था, वो शूट करना था, जो नहीं हो पाया। अब कर ही क्या सकते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है जब आदमी काम करने की सोचता है और ऐसा कुछ हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल भी नहीं होगा, कल तो जो हिंदी का चैनल अपना द इंडियन कॉमेडी, उसके लिए शूट करेंगे। तो आप मान के चलो 2 या 3 दिन बाद में शूट करेंगे, और वो बहुत ही खतरनाक वीडियो होगा, मतलब लेवल का मजा आएगा आपको उसमें देखना। एक बार चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाओ नोला द साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, उस पर एक्सपेरिमेंट के वीडियो आते हैं, बहुत ही शानदार मज़ेदार। खैर, अभी तो शुरू ही किया है, इसलिए 2-4 वीडियो हैं, और जब मतलब उस पर भी रोज़ वीडियो डालेंगे। अभी क्या थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ घर पर जाके आ जाऊँ, भूख लगने लगी, क्या करें यार। तो घर पे कुछ खाना वाना खा के, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का चाय वाय पी के, और फिर सोच रहा हूँ दे के जाता हूँ नहीं जाता हूँ। तो मैं पहले चाय पीने का मन होगा, तो पहले चाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे। तो पहले मैं चाय लेके आता हूँ, चाय लेने जा रहा हूँ फिलहाल, अदरक वदरक गिरवा के। बढ़िया मौसम भी ऐसा ही हो रहा है चाय पीने का,
तो मैं सोच रहा हूँ चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो मम्मी कहीं करीजे क्यों बाज रहा खिंचड़ी बनाओ ली आज बड़े तनासु आज तो कहीं बाद से तो वो बनाओ ना हमने तो कोई पकौड़ी वकौड़ी बना ले रहा मेरी खिचड़ी का माहौल थोड़ी जा आज ओहो पकौड़ी बनाओ नी का बढ़िया नी का गेहूं को शीरो बनाओ हाँ ये बना ले तड़का का इंजे तड़का ये खबर बना ले ला आज खीर बना लिया ओ गए रामारी बाजरे तो पकोड़ी तो मेरे को तो मौसम आज हो रही है तो मैं क्या करूँ गरम चीज कौन बना रहा है कहीं खींच नींबू मुझे गुना हुआ है वो लिया उसे गरम गरम चलो तो भाई जी नाश्ता पानी करके घर पे आ गया हूँ अब दोनों जा रहे हैं। इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, छू मैं सही करके लाता हूँ। इधर जाएंगे अपना ग्राउंड है तेजा जी का, वहाँ पे हमारी मीटिंग होगी थोड़ी देर, वहीं पे जाएंगे और पैदल पैदल ही जाएंगे। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। ये बाइक भाई किस के उसको देख देख के आ जा भाई जल्दी बता जल्दी से आ तो एक मिनट में आ जा। तो भाई जी अपना जो ग्राउंड है वीर तेजा जी स्टेडियम वहाँ पे चलेंगे। शायद आपने देख लिया होगा किसी वीडियो में, अगर नहीं देखे हो तो मैं आज आपको ढंग से दिखा दूंगा। क्रिकेट का बहुत बढ़िया ग्राउंड है अपने यहाँ, तो वहाँ पे चलेंगे। ठीक है तू छे तो बड़ो एक बार हंसो दो यहाँ खड़ा और हंसो 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 तो और जोर से लपो तर दांत कट गए बाबू तर बाईपास के बन गई। गाइस मेरे को लग रहा है अपना जो प्लान है वो होने वाला है। बारिश आने लग गई, बारिश आपको दिख रही नहीं होगी लेकिन हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो होने लग गई है। तो मेरे को लग रहा है प्लान कैंसिल हो जाएगा अपना ग्राउंड में जाने का। आज नहीं जाएंगे तो और कभी जाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा मैं अपना ग्राउंड, नहीं समझे। अभी तो क्या हल्की हल्की तो होने लगी है, बारिश बढ़ भी सकती है आ भी सकती है, माहौल लग रहा है बारिश का देख सकते हो। यो आ रहा शेर अपना काड़ू, ये है शेर। यो ब्रो क्या चाल है भाई तेरी ये आ गया अपना शेर भाई। गाइस ग्राउंड में जाना तो कैंसिल हो गया, क्या है बारिश आ गई थी, तुम तो गाड़ी में बैठ गए थे और अभी इधर स्टैंड पे जाएंगे दूध देने, मतलब ग्राउंड पे जाने तो कैंसिल हो गया। अब क्या ही करे यार, बारिश आ गई थी, अब तो अंधेरा भी होने वाला है, इसलिए अब कहीं नहीं जा रहे, दूध दे के आना है अब डेयरी के अंदर। आ जा भाई। कौन आप? मैं मिस्टर रोहित कुमार यादव, पीपलावल डाणी वाले। पीपलावल डाणी जेतपुरा, ये है सर जेतपुरा के कन्ने ही। अपनी तन्नो लेके चलेंगे गाइस। दूध कहाँ भाई है, किधर खेत मजे के। भाई जी अब चल रहे हैं गांव में, ये भाई साहब ने तो ये बांध लिया है, मेरे को सर्दी लग रही है, क्या करें भाई कर लेना तेरा बांध ले रहे हो सही को नहीं यार बांध ले गड़ सु कोई। अंधेरा हो गया और बारिश भी रुक गई है, तो मैं क्या है कि उधर घूमने डेयरी पे गया था तो वहां से सीधा ऑफिस पे आ गया, तो अभी चलते हैं घर पे वापस, थोड़ा बहुत काम था इसलिए आ गया मैं। अब वापस घर पे चलते हैं और उसके बाद खाना वाना खाते हैं और देखते हैं क्या करना है। और ये फूल सिंह भी अपना जी भी जुकाम वुकाम हो रही है इनके भाई साहब के, क्यों समाचार बुखार होगा नहीं का होगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात को ना सही होगा और हमारा बाल देख सको जो किया होगा कौन समझा।